अभी मैं अपने खाना ढूंढ रहा हूँ। ये क्या है? ये तो सांप का अंडा, सांप का अंडा देखो, ये देखो, हाँ ये देखो सांप का अंडा। हाँ आज मैं इसी से, आज मैं यही खाऊंगा, इसी से काम चलाऊंगा। इसको थोड़ा मुंह में थोड़ा ही काटना काटना चाहिए, और थोड़ा कैसे खाऊं, पेट तो मुझे भरना ही है जैसे भी करके भी। ये देख रहे आका, इसमें कोई जहर नहीं होता है, कुछ भी नहीं। ये जब बड़े होकर दादू बताए उसे दांतों में होता है जहर, फिलहाल इसकी अभी तो वैसे ही है, कुछ भी नहीं खा सकता मैं उसको। अभी मेरा आग भी खत्म हो रहा है, मुझे पैर की हंगा ढूंढना, हंगा ढूंढना चाहिए नहीं, टेनिया ढूंढना चाहिए, मुझे आग उसको जला कर रखना चाहिए। अभी दो तेंदुआ इधर से गुजरा है, मैं डर के मारे बहुत बेहोशी से हो गया। एक बार तो सोच लिया कि मैं नहीं बचूंगा, अब मैं पैर के टेनिया ढूंढने जा रहा हूँ। ये देखो एक बड़ा सा तो मिल गया, अब इसको तोड़ के मैं ले जा सकता हूँ, सुबह तक तो इसे कम चला लूंगा। चलिए चलो भाई, ये तो बहुत खतरा है। ओके तो मेरा पास कोई चक्कू भी नहीं, वो आते समय रास्ते में गिर गया। फिलहाल कुछ मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़ा थोड़ा टेनिया में तोड़ सकता हूँ। मंगाओ मेरा पास उतना ऊर्जा नहीं है कि मैं बहुत सारा लकड़ी ले जमा कर सकूँ, मगर जैसे भी हो मुझे कल सुबह तक तो ये आग जला कर आना चाहिए। हाँ अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, बस सांप के अंडा एक ही खाया, उसी से मैं काम चलूँगा। मगर तीन चार तो उधर में है, मैं सुबह तो मैं ये चली लूंगा। ये हमारा नॉर्थ सिक्किम का ये बड़ा जंगल है, सिक्किम का बहुत जंगल, बड़ा जंगल। हाँ भाई आपको घर में कुछ खाने के नहीं हो, मगर अपने जिसम को गर्म करने के लिए आपको आग जलाना जरूरी है, क्योंकि जानवर भी आग से बचा बचा कर सकते हम लोगों को। काम चला लूंगा, बस खाने डूला हूँ। अब मेरे साथ के अंडा इधर मिला है, देखो अंडा मैंने अभी पांच ठो से एक ठो खाया, अभी एक ठो खाऊंगा। ये देखो सांप का अंडा, अभी खाने से कुछ नहीं होगा अभी। हाँ ये मैं खा सकता हूँ, ये देखो इसको ऊपर से थोड़ा से छेद करना है, जैसे एक आप नीचे अंडा खाए तो सांप है तो नहीं खाना चाहिए, उसका आपका जो वो होता है ना वो खाने से खाने से होगा। इस तरह से कितना स्वादिष्ट है। अब अंडा में सुबह के लिए ये तो मैं पका कर खाऊंगा सुबह के लिए, ये मुझे सुबह लेकिन सुबह तो क्यों नहीं मिलेगा, मैं सुबह के लिए पका रहूँगा क्योंकि सुबह तक ये आँख नहीं बैठेगा, दूसरों में उसको निकाल के खाऊंगा। बहुत अब मैं थोड़ी देर के सो जाता हूँ, नींद तो नहीं आ रही माजी, मुझे फिर मुझे रेस्ट करना चाहिए, थोड़ी 2 घंटे तो सोना चाहिए क्योंकि मुझे कल लंबा सफ़र करना चाहिए, इधर से बहुत बहुत दूर जाना है, मुझे सोना ही चाहिए। हाँ अभी सो रहा हूँ, गुड नाइट। पूछा सर, पूछा जा सर,
गुड मॉर्निंग, अभी तो सुबह हो गया, मुझे आप इधर से जल्दी निकालना चाहिए क्योंकि इधर का बहुत कड़क धूप होता है। इससे आगे मैं कड़क धूप निकालने से पहले इधर चला जाऊंगा, मगर जो कलर मैंने अंडा रखा है वो निकाल के खाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा। बहुत पक गया ये देखो अंडा, ये देखो कल मैंने कच्चा खाया था, आज पका के खाऊंगा, बहुत मीठा होता है। ये देखो अब ऐसे करने से भी होगा, अब इसको मुंह में डालना चाहिए। अब देख रहे हो धूप निकल रहा है, इस समय मैं ये घने जंगल से बाहर निकल सकता हूँ, अभी जा रहा हूँ। आदमी है आदिवासी लोग मेरे खाने से, मैं उन सब पास जाऊंगा, कल से कुछ भी खाए भी नहीं, बस सब के अंडा पाँच ही खाया बस नहीं है। और देखो कुछ रहो और जा रही भी इधर में, मगर आपको कलम कलम संभाल के रहना चाहिए क्योंकि इधर बहुत साफ भी हो सकता है। अब मेरे पास और क्या बचा नहीं, बताए मुझे अब उधर सही सही को माना चाहिए। मुझे इधर कोई शिकारी आया है, नहीं तुम लोग रात को इधर बैठा और सुबह सुबह निकल गया, आज मैं रात इधर बैठ गया, देखो 5 बज गया, आज मैं इधर ही बैठूंगा और उधर ही आराम करूंगा। आगे मुझे खाने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए, हाँ खाने के लिए कुछ ढूंढ चाहिए। देखो देखो भालू 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 कैसे गया, अब हम लोग शोर मत मचाओ, भालू वो हम लोग सुन सकते हैं, वो भालू सोचेगा कि वो उसका दुश्मन है, वो हम लोगों का हमला कर सकता है, इसीलिए कुछ को बचा कर रहना जरूरी है। चलो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल जाए बताए उसके लिए भी मिलने से होगा, बहुत फिलहाल मुझे अभी कुछ नहीं मिल रहा है, मगर मैं इधर का बहुत मैं इधर एक पंछी लोगों का एक जाल बिछाऊंगा इधर में, जाल बिछाना तेन इसका रास्ता इसका रास्ता में हम लोग को ऐसे बंद कराना चाहिए। इससे कल मुझे सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट अच्छा ब्रेकफास्ट मुझे कल सुबह सुबह ही बहुत अच्छा मिल जाए। मैं भगवान से यही मांगता हूँ ये कल रात से मैं भूखा हूँ, इसीलिए कल मैं इधर आऊँगा इसे और मैं दूसरे का कुछ खुद इधर का और सीरे चौक का देखो ये विटामिन होता है इसमें, इसको आपको इधर से तोड़ के खा सकते हो। अब मैं उधर जाऊँगा आपके सामने जाऊंगा और खाऊंगा। देखो अभी भी डाल दी है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा जला लूँ उसको, उसके बाद में मैं इसको और खाऊंगा। आज तो कोई मुझे आग जलाने के लिए उसे लाता है, मेरा मंदिर अभी सामने है क्योंकि इधर लोग शिकारी लोग आया चला गया, इसका मतलब है कि मैं घर पहुंचने वाला हूँ। मुझे कितना खुशी हो रहा है आपको मैं कैसे दिखाऊँ, देखो एक आज सुरेश लोगों का जड़ी बूटी है, इसको लोग शिकारी करते समय ओ शिकारी लोग ने इसको एक बार कैसे किया, एक बार उन लोगों ने एक हिरण को मार के इसकी पत्ती में छुपा के लेकर गया,
हड्डियों को तोड़ के और बम इसके जाड़ी से बांध के लेके गया। घर में जाकर देखा तो वो हड्डी जोड़ा हुआ है और शिकार लोग ने उस टाइम से इसको जरूरी बूटी लोग बूटी बनाते हैं और जड़ी बूटी भी बना लिया इसका। मैं इसको खा सकता हूँ, खा सकता हूँ। उन्हें आपकी भोजन में बस कम ही कम, बस आप ही देखो कितना मीठा होता है, खाएगा क्या आप लोग भी? तो मेरा सफर अच्छा रहा और रात भी मेरा अच्छे तरह से निकल गया मेरे लिए। हाँ देखो सुबह का धूप भी निकल चुका है और आज देखो मेरा मंजिल आ गया। आ! आ!